दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ कवर कर रहे हैं क्या बिहार स्पेशल जीके के ऊपर चीजें चल रही हैं, यानी पूरी की पूरी सीरीज कवर की जा रही है बिहार स्पेशल जीके के ऊपर। अगर आपने वीडियो लेक्चर्स को इससे पहले की वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाइए देखिए और वहां से लिंक बनाने की कोशिश कीजिए कि जो हमारी चीजें हैं बिहार से रिलेटेड, बिहार स्पेशल से रिलेटेड किस तरीके से आपको 1x1 दी जा रही है, राइट। अगर आप 1x1 चीजों को देखेंगे तो कई सारी चीजों को आप लिंक अप कर पाएंगे और कई सारी चीजें आपके समझ आएंगे, ठीक है। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे आपको हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आप सारी की सारी जो नोटिफिकेशंस होती हैं सबसे पहले यहाँ हमारी पोस्ट की जाती है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी पोस्ट होती है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में होती है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं यहाँ पे आपको तरीका भी बताया गया है, ये भी कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया होता है, वहां से भी आप चीजों को फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं आपकी मृदा के ऊपर। आज हम बात करेंगे किसके ऊपर, बिहार की मृदा के ऊपर। यानी इससे पहले हमने किस पे चर्चा की थी, इससे पहले हमने चर्चा की थी बिहार की जलवायु के बारे में, राइट। तो जलवायु का अगर आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखा है तो उसको देखिए, राइट। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो कई सारी चीजें आप यहां से अच्छे से समझ आएंगे आपके। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जो बिहार की मृदा है वो किस किस क्षेत्र में कहां कहां डिवाइडेड है। जिस तरीके से हमने जलवायु का जो मैप देखा था, राइट, आप देखिए कि जो आपका मैप है जलवायु का, हमने इस तरीके से देखा था कि कहां 160, 140, 120, 100 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर से कम की क्या होती है, वर्षा देखने को मिलती है। ठीक उसी प्रकार हम देखेंगे कि जो हमारी मृदाएं हैं वो किस तरीके से पूरे के पूरे बिहार में विस्तृत हैं, पूरे के पूरे बिहार में देखने को हमें मिलती है। तो ये हमारा मैप है, हैंड रिटन मैप है, राइट। यहां से देखिए आप, ये है हमारा नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। यहाँ नंबर्स को शो किया गया है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। यहाँ नंबर्स को शो किया गया है और ये उनके आपको क्या दिए गए हैं, यहाँ बताया गया कि एक नंबर पे कौन सी है, दो नंबर पे कौन सी मृदा देखने को मिलती है और ऐसे तरीके से हम 8 नंबर तक चले हैं। तो पहले नंबर पे तराई, दूसरे नंबर पे भांगर, तीसरे नंबर पे बालसुंदरी, चौथे नंबर पे ताल, करेल केवाल, पलथर, अब्रक और लाल मिट्टी हमें पूरे के पूरे बिहार में देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले ये जानिए कि मृदा बेसिकली होती क्या है, मृदा को क्या कहते हैं, मृदा होता क्या है, ठीक है। इसकी परिभाषा अगर आपको लिखनी हो या इसकी परिभाषा जाननी हो तो हम इसे क्या कहेंगे, तो हम इसे कहेंगे कि मृदा खनिज पदार्थों, किसका, खनिज पदार्थों कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों, जल, विभिन्न गैसों, ठीक है, तथा असंख्य सूक्ष्म, ये आपको डेफिनेशन आप ध्यान में रख सकते हैं, असंख्य सूक्ष्म जीवों का जटिल मिश्रण ही क्या कहलाता है, दोस्तों, जटिल मिश्रण ही, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जिसे हम इंग्लिश में अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ही क्या कहता है, जिससे पृथ्वी के ऊपर पतली सतह का निर्माण होता है उसे हम मृदा कहते हैं। इन सब चीजों से क्या होता है, पृथ्वी की जो हमारी सतह होती है, ऊपरी सतह होती है, उस पर मृदा का जो निर्माण होता है, जिस तत्व का निर्माण होता है उसे हम मृदा कहते हैं। और उन तत्वों से मिलकर, इन तत्वों से मिलकर इस मृदा का निर्माण होता है जिसे पृथ्वी के ऊपरी सतह पर हमें वो जो मृदा है हमारी देखने को मिलती है, ठीक है। तो मृदा के निर्माण में कई सारी चीजें अपनी भूमिका अदा करती हैं, तब जाकर जो हमारी मृदा है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेती है और पृथ्वी की सतह पर हमें देखने को मिलती है,
ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। देखिए बिहार की मृदा या मिट्टियों के अगर हम बारे में बात करें तो बिहार राज्य के लगभग 90% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। गंगा नदी के उत्तर तथा दक्षिण के जलोढ़ मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। यहाँ की मृदा में क्वार्जाइट, फेल्सफार, ठीक है ये फा है, फेल्सफार, अभ्रक, लोह, आयस, कैल्साइट, ठीक है कैल्साइट तथा डोलोमाइट आदि खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से? ये सारी चीजें आप यहाँ ध्यान रखिए, कैल्साइट, डोलोमाइट, अभ्रक, लोह, आयस, क्वार्जाइट, ये सारे तत्व आपको किसमें, खनिज आपको किसमें देखने को मिलेंगे? बिहार की मृदा में। ठीक है, तो मृदा तीन प्रकार में वर्गीकरण किया गया है। मृदा का तीन प्रकारों में वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन सी? उत्तर बिहार की मृदा में, दक्षिण बिहार के मैदान की मृदा में और दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदा में। राइट, तो चलिए बात करते हैं उत्तर बिहार की मृदा में कौन कौन सी आती है। उप हिमालय पर्वतीय मृदा आती है, दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा आती है, पुरानी जलोढ़ या भांगर मृदा देखने को मिलेगी आपको, नवीन जलोढ़ या खादर मृदा आपको यहाँ देखने को मिलेगी। राइट, कौन सी है? उत्तर बिहार का जो उत्तर बिहार की मृदा है ये कौन सा है? उत्तर बिहार आपका, यहाँ से आपकी क्या है, गंगा रिवर बहती है और ये क्या है आपका क्षेत्र उत्तर बिहार का, ये उत्तर बिहार है आपका, ये पूरा का पूरा रीजन। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन सी मृदा आपको देखने को मिलेंगी। उप हिमालय पर्वतीय मृदा, दलदली या तराई, इसको हम क्षेत्र की मृदा कहते हैं, पुरानी जलोढ़ या बांगर मृदा इसको भी हम कहते हैं, नवीन जलोढ़ या खादर मृदा भी हम इसको कहते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं पहले हम उत्तर बिहार की मृदाओं के बारे में, फिर हम दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए उत्तर बिहार की मृदाओं के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या क्या है। राज्य के इस भाग में शिवालिक श्रेणी के पश्चिमी चंपारण के पर्वतीय भाग को छोड़कर शेष सभी जगह जलोढ़ मृदा, स्थानीय भाषा में इसको क्या बोलते हैं, कछारी मृदा पाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि कछारी मृदा आपको कहाँ देखने को मिलेगी, उत्तर बिहार के मैदानों में देखने को मिलेगी। और राज्य के इस भाग में शिवालिक श्रेणी के पश्चिमी चंपारण के क्या, पर्वतीय भाग को छोड़कर, किसके, शिवालिक श्रेणी के पश्चिमी चंपारण के पर्वतीय भाग को छोड़कर से सभी जगहों पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसे हम स्थानीय भाषा में कछारी मृदा कहते हैं। इस मृदा का निर्माण हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदियों जैसे घाघरा, गंडक, कोसी तथा महानंदा के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से हुआ है। राइट, क्योंकि मृदा का जो निर्माण होता है वह चट्टानों के टूटने से ही होता है और नदियों द्वारा उनको बहाकर लाने से ही मृदा का निर्माण होता है। अभी बात करेंगे पहली मृदा के बारे में, उप हिमालय की पर्वतीय मृदा क्या है। उत्तर पश्चिम, देखिए उत्तर पश्चिम के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो ये है आपका नॉर्थ और ये है आपका वेस्ट, ये है आपका ईस्ट और ये है आपका साउथ। तो ये रहा आपका उत्तर और ये रहा आपका उत्तर पश्चिम, जिसे हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ठीक इसके क्या है, साउथ ईस्ट है, और ठीक इसके क्या है दोस्तों, ये आपका नॉर्थ ईस्ट है और ठीक इसके हम बात करें तो साउथ वेस्ट आपको ये आपकी चार की, ये आपकी आठों की आठों जो दिशाएं होती हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सी चीज कहाँ है, कौन सी दिशा किस जगह पे है। तो उत्तर पश्चिम में सोमेश्वर श्रेणी में पाई जाती है कौन सी, उप हिमालय की पर्वतीय मृदा, एक प्रकार की चिकनी ये मृदा होती है। पर्वतीय ढालों पर वर्षा अधिक मात्रा में होने के कारण वहां मृदा की परत क्या होती है, पतली होती है, बड़ी थिन होती है। किसकी, पर्वतीय ढालों पर वर्षा अधिक मात्रा में होने के कारण वहां मृदा की परत कैसी होती है, पतली होती है। रंग इनका हल्का भूरा या पीला होता है। वर्षा की अधिकता के कारण मृदा परतों का गठन हल्का एवं उसमें आर्द्रता की अधिकता, इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, क्या क्या है, वर्षा की अधिकता के कारण मृदा परतों का गठन हल्का होता है एवं उसमें आर्द्रता की अधिकता पाई जाती है, इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता भी आपको देखने को मिलेगी। इस मृदा में मुख्यतः धान, मक्का तथा जौ आदि फसलें पाई जाती है या उगाई जाती है। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है ना कि कौन सी क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा में कौन सी जो हमारी फसलें होती हैं वो कौन कौन सी उगाई जाती हैं। आइए बात करें आगे, मानवीय विकास के लिए भौतिक परिवर्तन के तत्वों के अंतर्गत मिट्टी को एक अति महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि मानवीय विकास में क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सहायक होती है।
क्योंकि ये नहीं होगी तो पेड़ पौधे कहाँ लगेंगे, फसल कहाँ होगी, ये सारी चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। तो इसलिए हम मानवीय विकास के लिए भौतिक परिवर्तन के तत्वों के अंतर्गत मिट्टी को एक अति महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो तत्व एक अलग विशिष्ट रूप धारण कर लेते हैं मिट्टी कहलाते हैं। और सिंपल आप यहाँ पे लैंग्वेज में मिट्टी जो होती है उसकी परिभाषा जान सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे लिखने का प्रयास किया गया है। तो इसको आप समझिए कि चट्टानों के टूटने फूटने तथा इनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो तत्व एक अलग विशिष्ट रूप ग्रहण कर लेते हैं मिट्टी कहलाते हैं। मिट्टी के निर्माण प्रक्रिया में जलवायु के विभिन्न कारकों का प्रमुख हाथ होता है। कौन कौन सा होता है? जल वर्षा का, आर्द्रता का, तापमान का, चट्टानों के उच्चावच, अपक्षय, अपघटन आदि चीजों का क्या होता है, मिट्टी के निर्माण में इनकी सहायता होती है। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से बिहार की मिट्टियों को दो प्रधान कोटियों में रखा जा सकता है। कौन कौन सी है? पहली है अवशिष्ट मिट्टियां या मिट्टी, और दूसरी है अपूर्ण मिट्टी या प्रवाही मिट्टी। देखिए, प्रवाही मिट्टी, इस पे फोकस कीजिएगा। पहली के बारे में हम बात करते हैं, जिनका निर्माण इस स्थान पर स्थित चट्टानों से हुआ है। इस प्रकार अवशिष्ट मिट्टियों के निर्णायक तत्वों वाली चट्टानें उसके समीप ही विद्यमान होती है। यानी मानिए ये आपकी एक चट्टान है, ठीक है, यहाँ क्या है, मृदा का निर्माण हो गया है, यहाँ आपको मृदा देखने को मिलती है। तो जो अब जाहिर सी बात है कि चट्टानों के टूटने फूटने से ही क्या है, मृदा का निर्माण होता है। तो जब इसका निर्माण हुआ होगा तो क्या है, धीमे धीमे हुआ होगा, और धीमे धीमे होते इसके आसपास क्या है, मृदा का निर्माण हो गया, और इसके टूटने फूटने से ही मृदा का निर्माण यहाँ हुआ होगा, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिस मृदा का निर्माण जहां हुआ है तो हम उसी के आसपास क्या देख सकते हैं, एक चट्टान को देख सकते हैं, उसी एक चट्टान को देख सकते हैं जिससे इस मृदा का निर्माण हुआ है, ठीक है। इस प्रकार अवशिष्ट मिट्टियों के निर्णायक तत्वों वाली चट्टानें उसके समीप ही विद्यमान होती हैं। यानी इसका निर्माण इस मिट्टी का निर्माण जिसने किया है, जिस चट्टान ने किया है, वो इसके समीप ही आपको देखने को मिलेगी, यहाँ ये कहने का तात्पर्य है। अपूर्ण मिट्टी या प्रवाही मिट्टी क्या है, प्रवाही से समझिए आप कि निर्माण स्थान से प्रवाहित होकर अलग स्थान पर निक्षेप के रूप में फैली रहती है, जैसे गंगा के बृहद मैदान की मिट्टियां। यहाँ की मिट्टी के निर्णायक तत्वों में क्वार्ट्ज, फेल्सपर, एगाइट, ठीक है, अभ्रक, लोह, अयस्क आदि तत्वों की विशेषता आपको देखने को मिलेगी। ये क्या होता है, यहाँ पे अपूर्ण मिट्टी में क्या होता है कि जब मानिए इस पर्वत से क्या है, ये टूट फूट रहा है ये पर्वत, राइट, ये पर्वत आपको टूट फूट रहा है, और यहां से क्या है, बारिश भी हो रही है, ये टूट फूट भी रहा है, तो फिर क्या होगा, इसके जो टूटे फूटे जो भी संसाधन होंगे, जो भी खनिज होंगे, वो क्या होगा, बारिश के पानी में क्या है, बहते हुए चले जाएंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको प्रवाही मृदा, ठीक है। यानी इसका टूटन फूटन तो कहीं और हुई, लेकिन इसको हमने पाया कहां, कहीं और, यानी इसका जो जमाव है वो कहीं और हुआ, निक्षेप है वो कहीं और हुआ, ठीक है। जैसे हमारा गंगा का मैदान, इसका निर्माण तो कहां हमें देखने को मिलता है कि जो हिमालय का जो पर्वत है, इसी के जो चट्टानों के टूटने फूटने से और वहां से बहती हुई नदियों के माध्यम से जो अवसाद आते हैं, उनकी जो चीजें होती, जो बहाव होता है, उसके कारण यहाँ पर, यहाँ का जो मैदानी क्षेत्र है उसका निर्माण हुआ है, राइट। आगे बढ़ेंगे, दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो बिहार के उत्तर सीमा के साथ साथ, किसके, बिहार के उत्तर सीमा के साथ साथ पश्चिम चंपारण की पहाड़ियों से लेकर पूरब में किशनगंज तक 5 तथा 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में देखने को आपको ये मृदा मिल जाएगी। इसका रंग कैसा होता है, भूरा एवं हल्का पीला होता है, एवं इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, अम्लीय होती है। इसमें कहीं कहीं कंकड़ एवं रेत की अधिकता पाई जाती है। इस मृदा में लवण और जैव पदार्थों की अधिकता, किंतु फास्फोरस एवं पोटास आदि पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है। आपसे पूछ ले जाए कि ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें क्या है, पोटास और फास्फोरस की कमी देखने को मिलती है, ठीक है। क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन, कि ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें फास्फोरस एवं पोटास
पोषक तत्वों की कमी देखने को मिलती है। तो आप क्या लगाएंगे आंसर, आप लगाएंगे तराई क्षेत्र की मृदा, या आप कहेंगे दलदली क्षेत्र की मृदा, या आपसे पूछ लिया जाए कि अम्लीय प्रकृति की हमारी मृदा कौन सी होती है, तो आप कौन सी लगाएंगे, दलदली या तराई क्षेत्र की मृदा। तो इस तरीके से यहां से क्वेश्चंस निकल सकते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस मृदा में मध्यम श्रेणी की उर्वरता शक्ति पाई जाती है, यानी यहाँ पे क्या है, ना तो ये ज्यादा क्या है प्रोडक्टिविटी, ना तो ये ज्यादा प्रोडक्टिव होती है और ना ही ये कम प्रोडक्टिव होती है, यानी बैलेंस रखती है। यहाँ पे खेती की भी जा सकती है और नहीं भी की जा सकती, यानी कि मध्यम जो हमारी खेती है वो यहाँ पे की जा सकती है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ मृदा धान, पटसन, गेहूं और सरसों आदि फसलों के कृषि के लिए अनुकूल होती है। ठीक है, पुरानी जलोढ़ या बांगर मृदा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यह मृदा नदी की बाढ़ सीमा से ऊपर पुरानी जलोढ़ से निर्मित, किसे बाढ़ सीमा से ऊपर और पुरानी जलोढ़ से निर्मित उच्च भूमि में पाई जाती है। इसका विकास ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, यानी ऐसे स्थान पर होता है जहां पर बाढ़ का पानी क्या है, प्रतिवर्ष नहीं पहुंच सकता है। यानी 2019 में मानिए कि बाढ़ का पानी अगर हमारे रोहतास या कैमूर क्षेत्र में अगर हमारा पहुंचा होगा, ठीक है, या फिर कह लीजिए आपके आपके पूर्णिया या फिर सहरसा जो हमारा क्षेत्र है उसमें पहुंचा होगा, तो हो सकता है कि अगर 2020 में बाढ़ आए तो वहां पर ये पानी ना पहुंचे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, अब वहां पर पानी नहीं पहुंचेगा तो वहां की जो पुरानी मिट्टी थी वो नहीं हटेगी, और वो नहीं हटेगी तो नवीन मिट्टी का निर्माण नहीं होगा, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको पुरानी जलोढ़ या बांगर मृदा। इस मृदा का सर्वाधिक विस्तार तराई क्षेत्र के दक्षिण में, कोसी क्षेत्र में, पूर्णिया एवं सहरसा जिलों में आपको देखने को मिल जाएगा, तथा दरभंगा, मुजफ्फरपुर तथा चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में बांगर क्षेत्र का विस्तार समाप्त हो जाता है। बांगर मृदा में चूना एवं पोटाश की अधिकता, किंतु फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। आपसे पूछ लिया जाए, देखिए नाइट्रोजन आपसे पूछा जा सकता है और ह्यूमस आपसे पूछा जाता है कि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की जो कमी है वो आपको किस मृदा में देखने को मिलती है, तो आप क्या कहेंगे, बांगर मृदा, या फिर आप कहेंगे पुरानी जलोढ़ की मृदा में आपको देखने को मिलती है। रंग इसका गाढ़ा भूरा एवं हल्का काला होता है, तथा इसकी उर्वरता शक्ति अधिक होती है। कैसी होती है, अधिक होती है, क्योंकि देखिए यहां पे क्या है, यहाँ पे क्या है, चूना एवं पोटाश की अधिकता आपको देखने को मिलती है और इसकी उर्वरता क्या है, शक्ति अधिक होती है, रेदर देन किसके, पुरानी जो जो हमारी ये दलदली तराई क्षेत्र की मृदा होती है इससे। ठीक है, आगे, इस मृदा में धान, गन्ना, गेहूं, मक्का, जूट और सरसों आदि फसलों के लिए ये अनुकूल मानी जाती है। बाल सुंदरी मृदा, इसका विस्तार बांगर क्षेत्र के बाद है जो पूर्णिया में है, पूर्णिया के दक्षिणी भाग से आरंभ होकर सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिण भाग को घेरता हुआ पूरे सारण जिले तथा चंपारण के शेष दक्षिणी पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। यानी ये आपके काफी क्षेत्र में आपकी जो बल सुंदरी जो मृदा है आपकी, वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भांगर की अपेक्षा यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। किसकी, भांगर की अपेक्षा यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र आपको कहते हैं इसको। यह क्षारीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति की ही है, क्योंकि इसमें चूने की मात्रा 30% से भी अधिक होती है। इसका रंग हल्का भूरा, गहरा भूरा एवं सफेद हो सकता है। यह निम्न उर्वरता की मिट्टी है, यानी इसमें भी क्या है, उर्वरता काफी कम देखने को मिलती है, तथा सिंचाई से इसमें मोटे अनाजों की फसलें उगाई जाती हैं। अब ये मोटे अनाज कौन कौन से होते हैं, मक्का, ईख, धान, गेहूं, तंबाकू, ये हमारे कौन से होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, और इस क्षेत्र में आम, लीची और केले के बगान भी पाए जाते हैं। आपसे पूछ ले जाए कि आम या केले के बगान किस मृदा में पाए जाते हैं, या फिर किस मृदा में देखने को मिलते हैं, या आम या केले के बगान लगाने के लिए कौन सी मृदा प्रयुक्त है, तो आप कौन सी बताएंगे, बलसुंदरी मृदा का आप ऑप्शन टिक करेंगे। नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो गंगा, गंडक, कोसी और महानंदा आदि नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के पश्चात शेष बचे अवसादों से निर्मित मृदा को नवीन जलोढ़ या खादर मृदा कहते हैं। बाढ़ आई और बाढ़ आ गई गंगा के क्षेत्र में, ठीक है, गंडक, कोसी, महानंदा आदि नदियों के द्वारा बाढ़ लाई गई, बाढ़ जाने के बाद जो क्षेत्र बनता है उसको हम क्या कहते हैं, नवीन जलोढ़, या फिर कह लेते हैं हम खादर मृदा का क्षेत्र। आइए
इसका विस्तार नदियों के निचली घाटियों में पाया जाता है। इसमें मुख्यतः बालू, रेत, पंख एवं चिकनी मृदा के जमाव आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें चीका या फिर किले और बालू की प्रधानता होती है, परंतु नाइट्रोजन की कमी आपको देखने को मिलेगी। आपसे पूछ लिया जाए कि गंगा या फिर आपसे कहा जाए बिहार के उत्तरी मैदान में जो मृदा पाई जाती है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, यह मिट्टी धान, गेहूं आदि की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होने के कारण इस मृदा में जूट की पैदावार भी की जाती है। ठीक है, राज्य के उत्तर, देखिए फिर से, ये रहा आपका नॉर्थ और ये रहा आपका क्या, ईस्ट यानी पूरब। तो उत्तर पूर्वी आपका क्षेत्र कौन सा होगा? बिहार के बारे में अगर हम चर्चा करें तो उत्तर पूर्वी आपका क्षेत्र यह होगा, तो जहां पर क्या है, जूट की पैदावार भी की जाती है। दक्षिण बिहार के मैदान की मृदा के बारे में अब हम चर्चा करेंगे, यानी ये दूसरा पॉइंट है और दूसरे पॉइंट में ये पहला पॉइंट है। हमने अभी तक किसके बारे में चर्चा की? हमने अभी तक आपके जो हमारी उत्तर बिहार की जो मृदा थी उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम बात करेंगे दक्षिण बिहार के मैदान की मृदा के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे टॉपिक पर। कौन सा है आपका? दक्षिण बिहार के मैदान की मृदा। राज्य में इस मृदा का विस्तार छोटा नागपुर पठार एवं गंगा नदी के मध्य है। ठीक है, किसके मध्य है? यह आपकी गंगा नदी और छोटा नागपुर, ये रहा आपका पठार, यहाँ आपका छोटा नागपुर का पठार है। तो इस वाला जो क्षेत्र है आपका वो क्या है, किसका है, किसका है? दक्षिण बिहार की मैदान की मृदा का यह क्षेत्र है। इस मृदा का निर्माण किससे होता है? पुनपुन, सोन, फल्गु एवं उनकी सहायक नदियों के निक्षेपण से हुआ है। इनमें कौन सी पहली मृदा है? कागरी मृदा, जिसको गंगा के दक्षिण तट, सोन, फल्गु तथा क्योल नदियों के किनारे प्राकृतिक तटबंध पर एक संकीर्ण पट्टी के रूप में मोटी कांप मृदा का विकास हुआ है, जिसे कागरी मृदा भी कहते हैं। चूने की अधिकता पाई जाती है, रंग इसका भूरा होता है। मिट्टी मक्का, जौ, मिर्च, सरसों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। आपसे पूछ लिया जाए कि मिर्च की खेती के लिए, देखिए सरसों, मक्का का अक्सर पूछा गया है, जौ का भी पूछा गया है, सरसों का भी पूछा गया है, मिर्च के पूछने के आपके चांसेस बन सकते हैं। तो मिर्च की जो हमारी खेती होती है, ठीक है, इसके लिए आपकी कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो आप कहेंगे कागरी मृदा उपयुक्त होती है या फिर मोटी कांप की मृदा उपयुक्त होती है या फिर दक्षिण, कौन सी? दक्षिण बिहार के मैदान की मृदा उपयुक्त होती है। आइए ताल या टाल मृदा के बारे में चर्चा करें। तो विस्तार इसका कागरी मृदा के दक्षिण में बक्सर से भागलपुर तक, कहां से? बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मृदा का निर्माण वर्षा ऋतु के बाद आई बाढ़ के द्वारा बारीक एवं मोटे कणों वाले अवसादों के निक्षेप से होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका निर्माण प्रक्रिया क्या होती है? वर्षा ऋतु के बाद जो बाढ़ आती है उसके द्वारा बारीक और मोटे कणों वाले अवसादों के निक्षेपण से इसका निर्माण होता है। पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। यह निम्न भूमि का क्षेत्र है जो वर्षा काल में जलमग्न, वाटर लॉक्ड हो जाता है, वॉटर लॉक्ड हो जाता है। क्या ये निम्न भूमि का क्षेत्र है और ये वॉटर लॉक्ड का क्षेत्र बन जाता है, यानी ताल, टाल या फिर तालाब, आप अपनी देसी भाषा में समझिए, जिसे हम तालाब की जो भूमि कहते हैं वो इसी को बोलते हैं। गंगा नदी के दक्षिण तटबंध के दक्षिण में निम्न भूमि का क्षेत्र पाया जाता है, जिसमें बाढ़ अथवा वर्षा का जल भर जाने से यह निम्न भूमि क्षेत्र या जलमग्न हो जाता है, जिसे टाल, ताल या तालाब कहते हैं। यह मोटे कणों वाली धूसर रंग की भारी मृदा होती है, जिसमें दोमट एवं चीका मृदा की प्रधानता होती है। इसकी उर्वरता शक्ति अधिक होती है, किंतु वर्षा या बाढ़ से जलमग्न होने के कारण इसमें केवल रवि की फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। आपसे पूछ लिया जाए कि रवि की जो फसलें होती है, केवल रवि की फसलों का उत्पादन किस मिट्टी में किया जा सकता है दोस्तों? तो आप बताएंगे किसमें किया जा सकता है? आप बताएंगे ताल की जो हमारी मृदा होती है उसमें इसका निर्माण किया जा सकता है। चलिए किरिल केवाल की जो हमारी मृदा होती है उसके बारे में बात करेंगे। इसका विस्तार ताल के दक्षिण बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, पटना, मुंगेर तथा भागलपुर जिलों तक पाई जाती है। ठीक है, आप इसको मैप में एक बार देखिएगा कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ हैं। बार बार वहां यहाँ मैप को शो करना आसान नहीं है, काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा और कई सारी चीजें आपको करानी भी है। चलिए देखते हैं, इस मृदा का विस्तार अधिक होने से इसकी संरचना में
क्या है, इसकी संरचना में क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। रंग गहरा भूरा से लेकर पीला एवं हल्का पीला तक होता है। पुरानी जलोढ़ मृदा में बालू सिल्ट और चीका का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। पुरानी जलोढ़ मृदा को करेल केवाल मृदा भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा। करेल मृदा की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है, जो हमारी करेल केवाल की जो मृदा होती है वो क्या होती है, इसकी भी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। और ऊपर मैंने एक और मृदा के बारे में डिस्कस किया था जिसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सी मृदा की जो प्रकृति है वो क्षारीय होती है, जो अभी जस्ट डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जबकि केवाल मृदा में अम्लीय एवं क्षारीय गुण संतुलित रूप में पाया जाता है। देखिए केराल जो मृदा होती है इसमें क्या है, क्षारीय तत्व आपको देखने को मिलेंगे, यानी मैक्सिमम मात्रा किसकी होगी, क्षारीय तत्वों की होगी। और जो हमारी केवाल मृदा होती है इसमें क्या है, अम्लीय एवं क्षारीय, कौन से अम्लीय और क्षारीय दोनों के तत्व आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता तथा उर्वरता शक्ति दोनों अधिक होती है, ठीक है। उर्वरता शक्ति दोनों इसमें अधिक होती है, इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता और उर्वरता शक्ति दोनों अधिक होती है। इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें धान, गेहूं, अरहर तथा बाजरा आदि इसकी प्रमुख फसलें आपको देखने को मिलेंगी। बलथर मृदा या कह लीजिए कांप मृदा के बारे में आप यहाँ पढ़ रहे हैं। गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा तथा छोटा नागपुर के पठार की उत्तरी सीमा के मध्य बलथर मृदा का संकीर्ण क्षेत्र पाया जाता है। कहाँ कहाँ, गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा तथा छोटा नागपुर के पठार की उत्तरी सीमा। ये क्या है, दक्षिणी सीमा है गंगा के मैदान की, और ये है आपके छोटा नागपुर की उत्तरी सीमा, और ये है दक्षिणी सीमा, ठीक है। सीमा के इसके मध्य जो क्षेत्र पाया जाता है बलथर मृदा का संकीर्ण क्षेत्र, इसको हम कहते हैं। यह मृदा 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में पश्चिम से कैमूर श्रेणी से लेकर, कहां से, पश्चिम में कैमूर श्रेणी से, ठीक है, कैमूर श्रेणी से लेकर पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक विस्तृत होती है। इस मृदा का निर्माण छोटा नागपुर पठार से प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा लाए गए बालू एवं कंकड़ से हुआ है। रंग पीलापन लिए हुए लाल है, क्या है, रंग पीलापन लिए हुए कैसा है, लाल है। इसका पीलापन भी देखने को मिल सकता है और लाल भी आपको देखने को मिल सकता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। कैसी होती है दोस्तों, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। उर्वरता शक्ति इसकी कम होती है, इसलिए इसमें कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं, आलू, अरहर, ज्वार, बाजरा आदि की कैसी इसमें पाई जाती है, या फिर कह लीजिए इसमें मोटे अनाज बोए जाते हैं। दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदा के बारे में हम चर्चा करते हैं, यानी हमारा ये क्या है, अब ये अंतिम टॉपिक है और इसके अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। अभी तक हमने किस किस की मृदा के बारे में चर्चा की हुई है, अभी तक हमने कौन कौन सी मृदा के बारे में चर्चा कर ली है, दो मृदाओं के बारे में चर्चा कर ली है, उत्तर बिहार की मृदा के बारे में चर्चा कर ली है, और आपके जो हमारी दक्षिण बिहार की जो मृदा है, दक्षिण बिहार के मैदान की जो मृदा है उसके बारे में चर्चा कर लिए। अब हम बात करेंगे दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदा, कौन सी दोस्तों, दक्षिण के संकीर्ण पठार की मृदा। इसका विस्तार कहां से है, दक्षिण पश्चिम में बक्सर से लेकर, फिर से आप देखिए ये रहा आपका दक्षिण और ये रहा आपका पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम से कहां से लेकर बक्सर से लेकर, दक्षिण पश्चिम से बक्सर से लेकर दक्षिण पूर्व में बांका तक आपको इसका क्या है, विस्तार देखने को मिल सकता है। रंग इसका लाल या पीला होता है। पठारी भागों में चट्टानों की संरचना आर्द्रता उच्चावच में भिन्नता के आधार पर इसमें दो उपभागों में भी बांटा गया है। कौन सी है, लाल बलुई मृदा, ठीक है, लाल बलुई मृदा में बांटा गया है। यह मृदा रोहतास एवं कैमूर जिलों के पठारी क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगी। निर्माण इसका लाल बलुआ पत्थर, शैल और चूना पत्थर आदि चट्टानों के विघटन और अपघटन से हुआ है, इसलिए इस मिट्टी का रंग लाल या पीला होता है। यहाँ घाटियों में प्राकृतिक वनस्पति की अधिकता के कारण मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। मृदा कम उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें बालू की अधिकता होती है। मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा तथा मक्का आदि की कृषि यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। लाल और पीली मृदा में क्या है, विस्तार बिहार में दक्षिण पूर्व में बांका, जुमई, मुंगेर, नवादा, गया, औरंगाबाद जिलों में पठारी क्षेत्र में आपको ये देखने को मिल जाएगी। निर्माण
नीस, सिस्ट तथा ग्रेनाइट आदि चट्टानों के विघटन तथा अपघटन से इसका निर्माण हुआ है। लोह तत्व की अधिकता के कारण इस मृदा का रंग कैसा पाया जाता है? लाल पाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारी लाल मृदा है वो उसका जो कलर है वो किसके कारण है या फिर किस तत्व के कारण है, तो आप कहेंगे लोह तत्व की अधिकता के कारण इसका जो कलर है वह कैसा पाया जाता है? लाल पाया जाता है। इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी पाई जाती है, उर्वरता शक्ति इसकी कम होती है, इस कारण इसमें मोटे अनाज तथा दलहन आदि की कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये आपका था किसका, मृदा का पूरा क्षेत्र था, यानी मृदा के बारे में हमने यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कई सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी और मृदा से आई थिंक यहाँ से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाना चाहिए। किस तरीके से प्रश्न बनते हैं वो भी यहाँ पे हमने देखने की कोशिश की, तो उसको आप ध्यान में रखिए तो सारी चीजें आपको कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने कागरी मृदा, टाल मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा, बल्थर मृदा, लाल और पीली मृदा और लाल बलुई मृदा के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, जो हमारा पहला है क्या है, तराई क्षेत्र की मृदा है, दूसरा हमारा बांगर है, तीसरा हमारी बलसुंदरी मृदा है, चौथा जो हमारा है ताल की मृदा है जिसे हम क्या बोलते हैं, ताल या तालाब की मृदा भी कहते हैं, पांचवा हमारा केरल के वाल है, बल्तर है, अब्रक है, लाल मिट्टी है, ये सारी चीजें देखिए। अब्रक जो हमारा एरिया, ये वाला जो एरिया है वो अब्रक का एरिया है, बल्तर का एरिया आपका ये पूरा देखने को मिलेगा, तो जो हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। चलिए, ये आपकी यहाँ पे मृदा पूरी कंप्लीट होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद आप सभी का, चीजों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए अगर आपका कोई सुझाव हो तो, और उन लोगों तक प्लीज इस चीजों को पहुंचाइए जिनकी पहुंच नहीं है और वो जो अपने सपने साकार करना चाहते हैं, दूसरों के सपनों में अपना क्या करिए, अपना योगदान दीजिए, काफी आपको सुकून मिलेगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद आप सभी का।